स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास इलेवेंथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी जो चल रही है 1.7, उसका क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये प्रूव करना है आपको, यानी शो करना है कि अगर ये दिया हुआ है तो ये वाला प्रूव करना ये है, ठीक है। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाई सी क्लासेस बाई डी एस सर ये जो लिखा हुआ है, और जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, पीछे वाली 1.6 तक एक्सरसाइज नहीं की हुई है, तो पहले आप उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें 1.7, तभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ए सबसेट ऑफ बी, हमने क्या किया, हम मान के चलते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं सेट ए और बी। तो एक सेट ए ऐसा हमने माना है 2, 3, 4 जो सबसेट है बी का। तो बी क्या है, 1, 2, 3, 4, तो 3, 4, 2, 3, 4 इसमें देखिए प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये इसका सेट हो गया। एक अनदर सेट हमने माना है सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने ये अपनी तरफ से लिया है, आप भी कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अब ये प्रूव करना है, तो इसको हम निकालते हैं, लेफ्ट हैंड में लिखा है सी माइनस बी, तो सी माइनस बी निकालें, तो सी की वैल्यू रखिएगा, सी की वैल्यू ये है हमारी, देखो जो हमने लेट कर रखा है सेट, अब माइनस माइनस और बी का वैल्यू ये है। तो जब सी में से हमने बी को माइनस किया, तो जो सी में बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो इसमें आंसर में होंगे, तो सी माइनस बी आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सी माइनस ए निकालना है, तो सी माइनस ए जब निकाला हमने, सी में से ए को माइनस किया, तो ये आ गया 1, 5, 7, 8। अब देखिए ये प्रूफ क्या करवा रहा है आपसे, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, तो हमें ये देखना है सी माइनस बी के ये जो एलिमेंट हैं 7 और 8 क्या सी माइनस ए में प्रजेंट हैं या नहीं है। तो 7 और 8 इसमें देखिए प्रजेंट हैं, तो इसको सेकंड क्वेश्चन डाला इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो हमें प्रूव करना था, शो करना था, वही हमने यहाँ लिख दिया सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, हैंस प्रूव्ड, या आप शोड लिख दीजिए, हैंस यही शो करना था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, एज्यूम दैट पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए एंड इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, सो दैट ए इक्वल्स टू बी, ए और बी इक्वल है, ये आपको प्रूव करना होगा। तो गिवन दैट पी पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। अब मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट लिया है जनरल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, ए को बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए सेट ए माना 2, 3, तो अगर एक्स इक्वल टू 2 लिया हमने, तो 2 क्या ए को बिलोंग कर रहा है, देखिए 2 इसमें आ रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे ए 2, 3 लिया है हमने, तो अगर हम इसका पावर ऑफ सेट निकालें, नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 पे पावर 2, 3 होता तो 3, 2 पावर 3, 2 पावर 4, ये फॉर्मूला होता है 2 पावर n, 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो पी ए निकाला हमने, तो 5 आ गया, सब में होता है ये पावर सेट जो आपका क्या कहते हैं सबसेट होता है, 2 आ गया, 3 आ गया, 2, 3 ये आ गया, देखो। ऐसे ही बी को अगर हमने माना 3, 2, तो उसमें भी ये पावर ऑफ सेट बी निकाला है। तो ऐसे ही अगर हमने ये मान लिया, तो एक्स 2 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये एक्स पावर सेट को भी बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ये निकाला है, देखो 2 इसमें भी आ रहा है। ओके, अब देखिए अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, क्यों, बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो पी ए लिखा है वहाँ, पी बी लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट पी ए, रिप्लेस कर सकते हैं पी ए को किससे, पी बी से। इसका मतलब क्या हुआ, जब पी बी को करना है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इसको सेकंड इक्वेशन माना है, इसको थर्ड। अब एक्स बिलोंग ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी, एक्स बिलोंग बी, तो बी सबसेट ऑफ ए, चेक करके देखिए ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, बिल्कुल हैं, बी के सारे एलिमेंट 3, 2 इसमें हैं, बिल्कुल हैं, इसका मतलब क्या, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब हुआ ए इक्वल्स टू बी, हैंस शो या हैंस प्रूव्ड, यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है बेटा, इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है या सही है, दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई ए और बी दो सेट लिए गए हैं जिसके लिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू होना चाहिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये प्रूव करना है ये सही है या गलत है और विद जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई योर आंसर, यानी पूरा एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके बताना है, कोई भी नहीं। चलिए समझते हैं, यहाँ हमने क्वेश्चन लेट कर लिया, सेट लेट किए, ए और बी दिए तो ए इक्वल्स टू 1.2 ले लिया हमने, बी इक्वल्स टू 2.3 ले लिया। ओके अब देखिए ए यूनियन बी की बात कर रहा है ये देखो, तो हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ऑल द कलेक्शन ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स 1.2.3, 1.2 देखो इसमें भी आ रहा है, तो ये हो गया ए यूनियन बी, ये निकल के आ गया क्या आपका ए यूनियन बी। अब हमें चाहिए पी ए यूनियन पी बी, तो सबसे पहले हमें पी चाहिए पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ए, तो पी ए इक्वल्स टू, तो पावर सेट क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी के एलिमेंट 2 है तो 2n होता है, तो 2 हो गया, तो इसका मतलब 4 हो गए एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये देखो ये किसका मतलब है, एन पी एन पावर सेट ऑफ ए, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पावर सेट में 1, 2, 3, 4 हो गए, तो क्या आएगा 5 सबका सबसेट होता है, जितने भी एलिमेंट जो भी होते हैं, ये समझ में तभी आएगा स्टूडेंट्स जब आप स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चैनल पर नए जुड़े होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें तभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, अच्छे से समझ में आएगा। तो पावर सेट ऑफ ए निकाल दिया, पावर सेट ऑफ बी भी निकाल दिया इसका। ओके अब देखिए हमें प्रूव करना है या चेक करना है, ये चेक करना है, इसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, एल एच एस यही तो है, तो पी ए यूनियन पी बी, तो पी ए और पी बी पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के सारे एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स कलेक्शन कर दिया जाएगा यहाँ पर, तो कलेक्शन किया हमने तो 5 आ गया देखो दोनों में है, तो एक ही बार लिखेंगे रिपीट नहीं करते हैं, 1 तो 1, 2 2 आ गया, 3 2 इसमें भी, इसमें भी तो एक ही जगह लिखा जाएगा, 3 आ गया, 1.2 आ गया, 2.3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ए यूनियन बी हमने जो निकाला था ये था, तो हमें इसका भी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना होगा, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो अगर इसका नंबर ऑफ देखा जाए पी ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 पावर 3 यानी 8 होंगे, कितने आने चाहिए 8। चलिए देखिए समझते हैं, देखिए बेटा नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी 2 पावर 3 यानी 8 होने चाहिए, तो पी ए यूनियन बी, तो सबसे पहले तो आएगा 5, अब 1, 2, 3 है, फिर 1, 2, 3 ये आ गए, फिर 1.2, फिर 2.3, फिर 1.3, फिर 1, 2, 3 ये देखो, तो काउंट करके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गए। ओके ये हमारा था आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स और इसमें एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहे हैं, जब इक्वल नहीं है तो ये साइड दोनों कैसी इक्वल भी नहीं होंगी, और ये हमें चेक करना था ये इसके इक्वल है या नहीं है। ओके तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, स्टेटमेंट कैसा होगा, हेंस स्टेटमेंट, हेंस क्या लिख देंगे हम, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये कैसा निकला, फॉल्स। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन 5, 6, 7 कंप्लीट होते हैं, यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें बाई सी क्लासेस बाई डी एस सर, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिलेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दें, और एक मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक ही हमारा एक मोटिवेशन का रीज़न बनता है।
हमको और मेहनत करने का चांस मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।